सो कम्युनिकेशन मास्टरी बाय राहुल भटनागर प्रेजेंट्स द बिगेस्ट ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप एंड दिस इज माय ऑफिशियल एंट्री फॉर राउंड वन. टॉपिक्स तो बहुत सारे थे एंड मैंने जो टॉपिक चूज किया दैट इज माइंडसेट मैटर्स मोर देन टैलेंट. सो सबसे पहले समझते हैं कि माइंडसेट होता क्या है. व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय माइंडसेट. माइंडसेट का मतलब है किसी भी काम को सक्सेसफुली करने के लिए अपने आप को अंदर से तैयार करना, अपने आप को मेंटली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना. दैट इज व्हाट द माइंडसेट मींस. ये हमारा माइंडसेट ही होता है जो हमें हमारे गोल्स के करीब लेकर जाता है. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट वी कैन अचीव एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट एंड इन अ राइट डायरेक्शन. मुझे एग्जांपल्स के जरिए, स्टोरी टेलिंग के जरिए अपनी बातें कहना अच्छा लगता है. एक बहुत ही रिलेवेंट एग्जांपल जिससे हर कोई रिलेट कर पाएगा. हम में से बहुत सारे लोग जो इस चैंपियनशिप का हिस्सा है शायद फर्स्ट टाइम स्पीच दे रहे होंगे, शायद फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस कर रहे होंगे. हम शायद ये भी जानते हैं कि हम राउंड टू तक भी ना पहुंच पाए, लेकिन फिर भी हम ये सब कर रहे हैं विद द माइंडसेट कि कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने को मिलेगा. आई एम डैम श्योर कि राहुल सर की टीम की तरफ से हर किसी को मैसेजेस गए हैं, ईमेल्स गए हैं, एडवर्टीजमेंट्स पहुंचे, लेकिन कुछ सो कॉल्ड टैलेंटेड लोग होंगे जो उनके मैसेज को इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे. और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस चैंपियनशिप को कोई वो व्यक्ति नहीं जीतेगा जो होगा टैलेंटेड, बल्कि वो जीतेगा जिसका माइंडसेट होगा कम्युनिकेशन में मास्टरी करने का. जी हाँ, खैर दूसरा एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है क्योंकि 26 जनवरी आ रही है, हमारे देश का गणतंत्र दिवस है. सो एक पैट्रियोटिक एग्जाम्पल होना चाहिए. भगत सिंह के बारे में हम सभी जानते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए इतनी कम उम्र में अपना बलिदान दे दिया, कुर्बानी दे दी. जब भगत सिंह अपना मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे तब गांधी जी का स्टार्डम एकदम पीक पर था. अगर भगत सिंह ये सोचते कि यार गांधी जी कितने सक्सेसफुल हैं, कितने टैलेंटेड हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, मैं तो छोटा हूं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैं इतना सक्सेसफुल भी नहीं हूं, मेरा कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल भी इतना बड़ा नहीं है, अगर भगत सिंह ऐसा सोचते तो क्या वो इतने महान बन पाते? क्या हमारे देश को आजादी इतनी जल्दी मिल पाती? शायद नहीं. सो व्हाट आई मीन टू से कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जो हैं और जो होंगे, उन सबका कोर, उन सबका बेस, उनका माइंडसेट था, है और रहेगा. ये हमारा माइंडसेट ही होता है जो हमें मोटिवेट करता है. ये हमारा माइंडसेट ही होता है जो एक बार फेल होने के बाद चल यार एक बार फिर ट्राई करते हैं कि भूख जगाता है. हैंस प्रूव्ड माइंडसेट मैटर्स मोर देन टैलेंट. सो माय नेम इज सौरभ और मैं अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूं. थैंक यू सो मच.